and welcome everyone. I am Gaurav Dutt Purohit from Jaipur, and we are standing in the most crowded place of Jaipur, that's GT Central. Okay, and we are here to take views of Spring Citizens, what they want to say about the Afzal protest. The students of Jawaharlal Nehru University that are protesting against our government and constitution that Afzal Guru was not sentenced rightly. The execution of Afzal Guru was not right. So we want to ask our students, our youth, our senior citizens, our child, that are they supporting them or they are against them? Are you aware about this? Yeah. Are you aware about that? Yes. So what's your name? Farman. Farman, where are you from? I'm from Delhi. क्या आपको पता है कि जेएनयू में क्या हुआ अभी? Yeah, students are criticizing about the India. They are saying that India go back and India की बर्बादी तक जंग चलेगी ऐसे all like that. मनोज आहारी. मनोज, आपका? विकेश सिंह. आपका? प्रभात सिंह. और आपका? प्रिंस. आप कहाँ से है? अजमेर. अजमेर से है. तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में अभी क्या हुआ है? सर नहीं पता. और आपको पता है? नहीं, बस हेडलाइन पता है, बाकी अंदर कुछ पता नहीं. आपका नाम? मान प्रकाश सैनी. ओके, आप कहाँ से हैं? मैं टोंक से हूँ. टोंक से हैं. तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में क्या हो रहा है अभी? बच्चे क्या करना चाह रहे हैं? मेरे तो कुछ पता नहीं है. नहीं पता है. और आपको पता है? यही पता है एक बारे. आपको? जी सर, पता है, बट थोड़ा बहुत पता है कि वहाँ पे जो छात्र संघ नेता है कन्हैया लाल, वहाँ पे मतलब जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. एंड वो क्या है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अगेंस्ट में है, तो ये उसकी वजह से यहाँ काफ़ी वो हो रहा है, काफ़ी हल्ला हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई वो कन्हैया लाल को हम अरेस्ट कर लिया गया है. एंड इतना ही पता है मुझे, ज़्यादा नहीं. बहुत ज़्यादा पता है इनको एक्चुअली. तो आपका नाम क्या है? स्वाति गुप्ता. स्वाति गुप्ता. और आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से ही हूँ. आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट इट, आई नेवर सीन द न्यूज एंड ऑल, बट येस आई वॉन्ट टू कमेंट ऑन वन थिंग दैट द ये जो नारा लगाया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. इफ दे से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यू कैन से शनिदेव डायलॉग दैट पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा. इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है तो वो गलत है. बाकी अगर लड़कों ने अपने मुद्दे उठाए जायज मांगों के ऊपर, कम से कम उन्होंने पहल तो करी, अगर जायज तरीके से करी है तो वो एक सही कदम उठाया है. रिगार्डिंग दिस प्रोटेस्ट, मैं यही बोलूँगा, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है वो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना. बेटर है कि अपने व्यूज रखिए आप, बट इस तरह से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, दैट इज रॉन्ग. आपका नाम? अमित सिंह. आपका नाम? पायल सोनी. और आपका? रवि. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अमित, तो जो कन्हैया और जो उनके ग्रुप वगैरह कर रहे हैं, क्या वो एकदम सही है? सही है, ऐसा होना भी चाहिए. कोई तो आवाज उठा रहा ना कम से कम गरीबी के लिए, ये वो. आपका नाम? पत्सिका. आपको पता है अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में क्या हो रहा है? See, there's some kind of a controversy that's going on because of a wrong statement that a student had. I'm Himanshu. Okay, and good evening, ma'am. What's your name? Nisha Parikh. Okay, ma'am, sir, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, क्या वो सही है? नहीं, logically बिल्कुल ठीक नहीं है, because see, all they are students and students are going to colleges and universities just for studies only. Anil Sharma. तो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो हुआ है, क्या वो सही है या गलत? जो बच्चे कर रहे हैं वो गलत है या सही है? देखो, स्टार्टिंग में जो हुआ, जो भी उसमें एक्चुअली क्या है कि जो पता चला है कि जो बहुत गलत हुआ है. आपका नाम? एक अपने प्रीति चौधरी. तो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रहा है दिल्ली में, क्या जो बच्चे कर रहे हैं वो एकदम सही है? नहीं, आई एम नॉट इन इट्स फेवर, गलत है. तो व्हाट्स योर नेम? सुप्रिया. Are they doing right? No, it's not right. So what? कैसे हो सकता है, वो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अपोजिट हो रहे हैं. So whatever they are saying, that slogan, that भारत की बर्बादी तक नहीं रुकेंगे. हाँ, अफजल के चमचे होंगे कोई. अफजल के चमचे होंगे कोई. इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली. वो ये चाहते हैं कि अपन अपना कश्मीर पाकिस्तान को दे दे. क्या आप ये चाहते हैं? नहीं सर, ये तो नहीं चाहते, ये तो कोई नहीं चाहता है, बट
वो पता है नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप कभी टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे या ये बोलेंगे कि अपना सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है? नहीं सर, टेररिस्ट को नहीं सपोर्ट नहीं कर सकते हम। तो आप हमेशा इंडिया को सपोर्ट करेंगे? यस सर, इंडिया को करेंगे। ऑफकोर्स मैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट में ही हूँ। ठीक है, ये भी अगेंस्ट में है, हमें सारे जने अभी तक अगेंस्ट में ही मिले हैं। और आपका नाम क्या है? निधि गुप्ता। और आपको क्या लगता है, क्या वो सही कर रहे हैं? I don't have any idea about that. So, इनको कोई आइडिया नहीं है, ये सब साथ में है फिर भी इनको आइडिया नहीं है। और आपको पता है? No. तो आप एक्चुअली किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? और लेकिन ये गलत टेंडेंसी है, जो भी कन्हैया कुमार जेडीयू जेएनयू के प्रेसिडेंट है उनको गलत फरसा रहे, एक पॉलिटिकल स्टैंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसने कहा मैं आज़ादी चाहता हूँ, भुखमरी से आज़ादी चाहता हूँ, गरीबी से आज़ादी चाहता हूँ, जो भी माइनॉरिटी है। लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं, और मैं तो खुल के बोल सकता हूँ आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं, वो लोग इसको गलत यूटिलाइज कर रहे हैं और बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सत्ता का। उसका उनको लगता है कि जो भी बीजेपी और आरएसएस के समर्थक है वो ही राष्ट्र प्रेमी है, जो उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है, ये कैसे पॉसिबल? नहीं नहीं, ऐसा है कि ये जो कोर्ट है, अदालत जो है उसका जो है जो भी जजमेंट है वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो आप हमेशा हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ही सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आप आपका नाम? राकेश दुबे। आप क्या कहना चाहते हैं इस सारे प्रक्रिया के बारे में? नहीं सर, देशद्रोह के अंदर अगर कोई भी गतिविधियां पाई जाती हैं वो गलत है। बाकी कन्हैया ने अगर कोई देशद्रोही गतिविधि की है या कोई नारे लगाए हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी ऐसा जो क्लिपिंग देखी है, वीडियो देखी है मीडिया के, उसमें कहीं ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि उसने कोई देशद्रोही के नारे लगाए हैं या कहीं कोई उसने ऐसी गतिविधि में भाग लिया है। बाकी उसके इर्द गिर्द कई लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो इधर उधर से आकर के जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर वो पर्सन गलत नहीं है, पर वो जो बच्चे कर रहे हैं सारे मिलके वो एक गलत चीज़ है? नहीं, वो कन्हैया को छुड़ाने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं, बाकी एक जो उसके आसपास जो गतिविधियां हैं, बाहर से आए हुए स्टूडेंट हैं या जो भी हैं देश जो अगर नारे लगाए उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कन्हैया ने अगर ऐसा कोई एविडेंस मिलता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, बाकी कोर्ट जो फैसला करेगी वो ठीक है, एविडेंस को देखते हुए उसको फैसला करना चाहिए। तो कोर्ट ने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया अफजल गुरु के साथ वो एकदम सही था? बिल्कुल सही था, देश के अंदर कोई गद्दारी करेगा तो उसको तो ये सजा मिलनी चाहिए। हमेशा भारत को ही सपोर्ट करेंगे। आप ये बोलना चाहते हैं कि उनको सडन डेथ दे देना चाहिए? नहीं नहीं देना चाहिए, उनको देम टू गेट हैंग्ड। ओके, यू वांट टू बी कन्विक्ट टू गेट टू बी टॉर्चर्ड? दे शुड बी टॉर्चर्ड। यू वांट टू डू द सेम विद देम दैट दे हैव डन विद अस? या। ओके, दैट टू विद इंटरेस्ट। ओके, तो आप हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और भारत? आई एम विंध्या एंड आई एम बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ दिस, कंप्लीटेड माय मास्टर्स। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, मेरा उस पर कहना है कि सबका अपना एक राइट होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम ये पढ़ते आ रहे हैं राइट फ्रॉम से स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ व्हाटएवर द पर्सन जो कन्हैया ने जो भी कहा है, आई एम इन सपोर्ट ऑफ इट। एंड जो अरेस्ट हुआ है स्पेशली, मुझे आई डोंट फाइंड दैट इट्स यू नो रियली अप्रोप्रिएट व्हाटएवर ही हैज सेड, जो भी उन्होंने करा है, दे आर फॉर्म ऑफ एज अ पार्टी, उनकी भी जैसे पार्टी है तो वो उसके सपोर्ट में आना है। आई फील कि आई एम टोटली इन सपोर्ट, एंड जो भी एजिटेशन हो रहे हैं ये एक तरह से दे आर स्प्रेडिंग अ मैसेज कि व्हाटएवर अ पर्सन सेज उसे पूरा राइट है, कि उसे किसी के कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह हर्ट नहीं हो रहे हैं। सो एक तो ये बात है, सेकेंडली जो जिस तरह से लॉयर्स ने जो बिहेवियर दिखाया है मुझे वो थोड़ा आई वॉज रियली अगेंस्ट इट, बिकॉज एज यू नो लॉ इज़ बेसिकली कि यू आर सपोर्टिंग द राइट थिंग, एंड इस तरह से अब्यूज़ करना, स्टोन स्पेल्ट करना, दैट्स नॉट करेक्ट थिंग। बट सी अगेन मैं बोलना चाहूँगी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट आई थिंक ही इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। सो रही कश्मीर को पाकिस्तान जाने की बात, तो उसके मैं अगेंस्ट हूँ डेफिनेटली, कश्मीर हमेशा से हमारा पार्ट रहा है और ये डिस्प्यूट 1960 से चलता आ रहा है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। I am Deepanjana and currently I am teaching as a teacher. So I would just say that आप जो भी बोलते हो as a responsible citizen आपको पता होना चाहिए कि उसके repercussions always होते हैं and you have to be ready to face that, right? So किसी ने अगर ये चीज़ें बोली हैं तो I think the base should be clear
कि बेस में उनको फाउंडेशन में वो चीज़ें पता है कि नहीं है, कि क्यों चीज़ें हुई, कश्मीर केस है या अफजल केस है या व्हाटएवर केस है, उनको अगर वो नहीं पता है तो आई थिंक दे शुड ऑलवेज यू नो चेक दैट आउट एंड देन स्पीक. It's better that you check whatever is in the base, whatever is there in the truth, and then speak it out so that you know ki what you are speaking that is solid. See, that's correct, because again we've got a lot of things in history. Has anybody taken the pain to know that history? All those people who are speaking it right now, do we know that they have actually read history? Kashmir case is a very different case. How many of us know about it? Jinko nahi pata hai, they are again misled into jihadis, right? You have to respect your nation anyway, anyhow, because it is the only place, it is only your home where you are going to get respected. It is nowhere else in the world. You tell me one place in the world where you are getting respected because of whom you are. Aur bol dijiye, Bharat Mata, Mata ki Jai. I love my democratic India. I love my India. Ki Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. भारत माता की जय. ऑल आर सपोर्टिंग इंडिया एंड वी विद वन वॉइस विल से भारत माता की जय. सो दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम जयपुर. दैट्स द रिव्यूज. दीज आर द रिव्यूज ऑफ आर यूथ एंड आर सिटीजन्स फ्रॉम प्रिंक सिटी. दे वांट टू से मोस्टली दे वांट टू से दैट वी आर अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टर्स. वी नेवर गोना गिव कश्मीर टू पाकिस्तान. सो वी आर साइनिंग ऑफ विथ आर फ्रेंड्स एंड आर टीम. थैंक यू.